ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं, इजीली है। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा भाई, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमें किस पर बनाना है, तो हम बनाएंगे इस पर कोरल ड्रॉ पे बनाने सीखेंगे। कोरल खोलने के लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद यहाँ पर आप ऑल प्रोग्राम्स में चले जाएंगे, इसके अंदर हमें कोरल ग्राफिक्स सूट लिखा है। अब हमारा कौन सा है, कोरल ग्राफिक्स कोरल ड्रॉ X3 है, तो कोरल ड्रॉ X3 को हम खोल लेंगे। कोरल के और भी वर्जन होते हैं, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, सिंपली यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं या न्यू, यहाँ पर हमें जब बनाना होगा तो आपको न्यू लेना है, और अगर आपको न्यू फ्रॉम टेम्पलेट लेंगे, आपको कुछ बनी बनाई जैसे डिज़ाइन चाहिए, तो आपको कहाँ जाना होगा, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, यहाँ पर कुछ पहले से टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो जैसे मान लो हमें एक बनी बनाई यहाँ पर चाहिए, तो इस तरीके की देखो, यहाँ पर ये दिख रही है डिज़ाइन, यहाँ पर हमने इसमें क्लिक किया तो इस तरीके की कुछ डिज़ाइन है, इसमें पहले से बनी बनाई हैं, देखो ये दिख रहे हो, ये ना जैसे आपका कवर फ़ोटो होती है कि कोई किताब के बाहर की फ़ोटो, या कोई आपने बुक ख़रीदी उसके बाहर की फ़ोटो, इसमें पहले से कुछ डिज़ाइन है बनी बनाई आपको मिल जाती है। तो इसमें आपको अगर कोई पसंद आती है तो उसमें वो ले लो, जैसे यहाँ से हमने ये ले लेते हैं, ये लेने के बाद में कुछ इस तरीके की हमारी डिज़ाइन आ गई है, इसमें पहले से स्ट्रक्चर हमें बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हमें बना बनाया नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का बनाना है एक फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको करेंगे क्लोज़ और कोरल अपना ओपन करेंगे, कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ ओपन करने के बाद में कहाँ पे चले जाएंगे, न्यू पे चले जाएँ, न्यू पे जैसे ही आप जाएंगे तो हमें इस तरीके का मिल जाएगा। अब हमें जो बनाना है कोरल पे जो फॉर्म, उस फॉर्म को बनाना है कौन से पेज के लिए, A4 जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म बनते हैं ना, वो A4 साइज़ होते हैं, तो A4 ले लेंगे। A4 जैसे हम पेज लेते हैं तो यहाँ पर ये पेज हमारा A4 में चेंज हो जाता है, लेकिन पहले कैसा था, कंट्रोल जेड देखिए कुछ इस तरीके का था। पहले मान लीजिए A5 ले लिया, तो देखो ये अलग अलग साइज़ आते हैं यहाँ पर, इस जगह जाके जैसे पहले हमारा लेटर था, लेटर का साइज़ ऐसे था, लेकिन जैसे हमने A4 लिया तो A4 का साइज़ कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, F3 दबा के आप जूम आउट कर सकते हो, शॉर्टकट की सभी को मालूम है। ठीक है, इसे आपको यहाँ वहाँ खिसकाना है तो सीधे H दबाना है, H दबा के। अब यहाँ पर यूज़ कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ का होगा, यहाँ पर आपका यूज़ होगा, तो हम शॉर्टकट कीज़ बता दे रहे हैं, बहुत आसान सी शॉर्टकट कीज़ होंगी, इन जून शॉर्टकट की का यूज़ होगा, तो ज़्यादा शॉर्टकट की नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे F2 का, किसका, F2 का, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे F2 का। F2 किस लिए बताओ, F2 का किस लिए होता है, F2 का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, जूम करने के लिए। जैसे हमें F2 दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा, बस हमें क्या करना है, F2 दबाना है। जैसे मान लो हमने ये F2 दबाया, F2 दबाइए, तो जैसे हमने F2 दबाया तो ये कर्सर हमारा प्लस पे आ गया, हम क्लिक करके भी F2 दबाया, क्लिक किया, F2 दबाया, क्लिक किया, तो F2 दबा के क्लिक करके भी हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, F2 दबाएंगे और जितने में आप एक बॉक्स बना देंगे, जैसे हमने ये एक सिलेक्शन बॉक्स बना दिया, तो उतनी ही स्क्रीन हमारे इस डिस्प्ले पर शो होने लगती है। F3 से हम F3 का यूज़ किसके लिए करते हैं, छोटा करने के लिए, और F4 का यूज़ किस लिए करते हैं, फिट टू विंडो, मतलब हमारी स्क्रीन में जो भी कहीं भी बना होगा, हमारी स्क्रीन में जो बना होगा सिर्फ वही दिखेगा, हमारी स्क्रीन पर जो भी बनता है सिर्फ वही दिखता है, और एक्स्ट्रा पेज हमें शो नहीं करता है। तो फिलहाल अब बनाना स्टार्ट करते हैं, और H का यूज़ करेंगे, किसका, ओनली H दबाएंगे, तो H का यूज़ किस लिए होगा, ऊपर नीचे खिसकाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से हम इसको हटा दें, पिक टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब आ जाओ अपने पेज पे, H दबाना है अपने पेज को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, जिसको हम बोलते हैं पेज बॉर्डर। जैसे ये हमारा पेज है, इस पेज के अंदर क्या देंगे हम, एक बॉर्डर देंगे, क्या देंगे, एक पेज बॉर्डर दे देंगे, ये हमारा बॉर्डर बन गया। ठीक है, अब F4 दबा देंगे, अब हमारा इसी F4 के अंदर काम होगा, इसी पेज बॉर्डर के अंदर काम होगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है और किनारे किनारे बड़ा करना है बॉर्डर, तो और बड़ा कर दो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम कितना रखना चाहते हो, इस तरीके से हो गया, इतना बनेगा जी हमारा पेज बन गया। अगर आपको इसमें कलर डालना है तो कलर के लिए हम बता दे रहे हैं, हम आपको बताएंगे कलर फॉर्म बनाना, कलर कैसे बनाते, तो भाई सिंपल तो है। ठीक है, सिंपल, अब इसमें डालेंगे हम कोई कलर, कौन सा कलर डाल दे रहे हैं, मान लीजिए हम नीला कलर डाल दे रहे हैं, कौन सा,
ये कर ला। अब ये कलर हम डाल तो दिए लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन प्लेन सा है। तो इसके लिए तुरंत आपको जाना है यहाँ पर, इस कमांड के अंदर जाना होता है। यहाँ से क्या करेंगे, ये देखो फाउंटेन फिल डायलॉग समझ रहे हो, यहाँ से जाना है इसके अंदर। आपको यहाँ पर दो कलर होते हैं, इसके अंदर जाके एक ये कलर है और एक ये कलर। इसके हमने नीला ले लिया है कलर, इसके अंदर जाके कौन सा ले लेना है, एक कोई भी रेड टाइप का कलर ले लो, या वाइट ले लो, या येलो ले लो, कोई भी एक टाइप का कलर आप ले लो। ले लिया, यहाँ से ले लो आप कौन सा रेड, रेड कलर ले लो, इस तरीके का रेड कलर। इसको किनारे खिसका दो, इसको कहाँ खिसका दो, किनारे साइड में, और ओके। जैसे आप ओके बटन दबाओगे कुछ इस तरीके का आपके सामने क्या आ जाएगा, पेज आ जाएगा देखो। और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे इस जगह पर, ये यहाँ पर इस जगह पर आप ये इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल पे, जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर का एरिया आ जाएगा कि आपको कौन सा एरिया कहाँ पे क्या रखना है। तो इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कितना आपको कलर यहाँ पर चाहिए। जैसे अब मैं आपको पीला नहीं करना है, वाइट डालना है, तो यहाँ पर वाइट सेलेक्ट कर लो। वाइट जैसे आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया तो हल्का सा सफ़ेदीपन जो है इसमें आ जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर दूसरा कलर सेलेक्ट हो गया है, दोबारा से इसके अंदर गए, यहाँ से हमने कौन सा ले लेना है, वाइट कलर ले लेना है, और ओके। अब देखो हल्का सा कैसा कलर आ गया है, कुछ बढ़िया लग रहा है। अब लुक जो है हल्का सा वाइटनिंग इफेक्ट आ गया, जैसे लाइट इफेक्ट कहते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद हमें बैकग्राउंड तैयार हो गया मेरा, अब हमें काम करना है सिर्फ इतने इतने एरिए पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे और हमें सिर्फ उतना ही एरिया पे सेलेक्ट कर लेना है जितने एरिए पे हमें क्या करना है, काम करना है इतने एरिए पे, ठीक है। अब ऊपर हम जो सबसे ऊपर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जैसे रजिस्ट्रेशन अंडर द जियो वीटी ऑफ इंडिया, बस ये टाइप कर दिया। मूव टू लेना है, इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर देना है, पीछे साइड में डबल है तो इसको तो फिलहाल पहले वाले को डिलीट करो बैकग्राउंड को। इसको सेलेक्ट करके कहाँ कर देना है, बीच में कर देना है, छोटा करो, यहाँ पर बीच में सेट कर दो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सेंटर चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करो और ई दबा दो, क्या दबा दो, ई, इसी क्या होगा बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। तो दूसरा तरीका क्या है, हमने आपको बताया था दोनों को सिलेक्ट किया, इसको खिसकाना है और शिफ्ट के साथ किसके बीच में ले जाना है, बॉक्स के, तो बॉक्स को बाद में सिलेक्ट करना है। और फ्लैग ये आपको बताया था अलाइन वाला, अलाइन के अंदर जाना है, अलाइन के अंदर जाके यहाँ पे सेंटर लगा दो, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर हम इसको कर दे रहे हैं बाहर साइड थोड़ा सा शिफ्ट के साथ, ये अब इसको सेंटर लगा दिया, देखो बिल्कुल बीचों बीच आ गया, आ गया बिल्कुल बीचों बीच। इसको खिसका देना है कहाँ, ऊपर जाके सेट कर देना है, और छोटा करना है कोई दिक्कत नहीं, आप शिफ्ट बटन के साथ में इसको छोटा कर सकते हो, सेट कर दिया। फिर यहाँ पर लिखना है नाम, अगला दोबारा से यहाँ पर सेंटर का नाम डाल देना है, जैसे यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं माई अप गुरु, माई यूपी गुरु लिख लिया। अब इसको यहाँ पर एक कॉर्नर को सेट किया, यहाँ पर सेट कर दिया इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में देखो यहाँ पर सेट कर दिया है। तो इसको खींच के इधर साइड में ले आना है इस कॉर्नर तक, F2, इतना ही पेज हमारा ऊपर साइड में दिखना चाहिए, आराम से पूरा एक पेज सही सही दिखना चाहिए। और यहाँ से गए और अपना कोई बढ़िया सा फॉन्ट को हमने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे हमने ये फॉन्ट ले लिया, कलर्स में डाल दो वाइट, राइट क्लिक कर दो ब्लैक में, या फिर आप येलो कलर भी डाल सकते हो, ठीक है, येलो कलर डाल दो। इसमें आप ग्रेडियंट डाल लगाना है तो इस तरीके से आप इसमें ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, आप बताया था हमने, ये देखो यहाँ पर वाइट कलर आ रहा है किनारे साइड में, हल्का सा आप
रोशनी टाइप की भी इसमें डाल सकते हो जैसा आपको, ठीक है, हल्का सा। अगर कोई दूसरा कलर भी डालना है तो इसके अंदर जाके, जैसे मान लो हमें इसमें लाल और पीला रखना है, कौन कौन सा कलर, लाल और पीला, तो यहाँ पर रख गए हमने लाल कलर लिया और पीला ले लिया, दो लाल पीला यहाँ पर सो गया, उसके बाद ओके कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको नीचे करो, लाल ऊपर कर दो, लाल यहाँ पर, और जिस साइड में आपको लाल ज़्यादा चाहिए तो लाल नीचे खिसका दो, अगर पीला ज़्यादा चाहिए तो पीला ऊपर कर दो, तो लाल पीले में आ गया, ठीक है। आउटलाइन में अगर आपको चाहिए, आउटलाइन मोटी रखनी है तो यहाँ पर से आउटलाइन को हम कर दे रहे मोटा, हो गया मोटा, वाइट कलर कर दो आउटलाइन में इस तरीके से, वाइट आउटलाइन आ गई। शेडो लगाना है, शेडो के लिए हमने बताया था कहाँ से लगता है, शेडो ये आपका रहा शेडो, ये ना यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ पे यहाँ से लगा सकते हो, इसके अंदर जाके इसके पीछे का आपको शेडो ऐड कर देनी है। तो चीज़ अलग हो गई, वन मिनट, इसके अंदर जाना है, ये वाला लेना है, इसे शेडो इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो, जितना हल्का चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, जैसा आपको चाहिए वैसा आप लगा सकते हो, ठीक है। अगला ये चीज़ हो गया, नेक्स्ट अब नीचे लिखना है अकेडमी, क्या लिखना है अकेडमी, तो सिर्फ इसी को ही कॉपी, इसको क्या करना है, इसी को नीचे खिसका के ले आओ, उसी को उठा के नीचे ले आओ और राइट क्लिक कर दो, डुप्लीकेट हो गया, यहाँ पर लिख दो अकेडमी, अकेडमी कर दो, एरो बना के नंबर टाइप कर देना है। अभी ये बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होने दो, सिर्फ हमें क्या करना है, छोटा कर देना है, एच दबाया, एच दबा के आप इसको बीचों बीच लिया है, सेट कर लिया है ना, आ गया, बड़ा हो गया था, हमने क्या करा, खाली उसको छोटा कर दिया। अब इसमें थोड़ा आउटलाइन अगर आपको लगाने, तो आउटलाइन तो ब्लैक लगा दो, ब्लैक आउटलाइन कर सकते हो या वाइट कर सकते हो, कोई भी आपको आउटलाइन अच्छी लग रही हो वो कर सकते हो। कलर आपको एक सिंपल कलर डालना है तो सिंपल कलर भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्लिक कर दोगे, क्लिक कर दोगे किसी भी कलर में तो कलर डल जाएगा, और राइट क्लिक कर दोगे तो, जैसे हमने राइट क्लिक पीले पे करा तो पीले कलर में आउटलाइन डल गई, तो यहाँ पर हम कौन से कलर रख ले रहे हैं, फिलहाल वाइट कलर में राइट क्लिक कर दिया, यहाँ से कलर आ गया, कितना ईजी था, ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी मटेरियल यहाँ पर आपका जैसे कुछ भी है, फ्रेंचाइजी है या कोई नंबर वगैरह, इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर टाइप किया था, इसी को बस कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है, ऊपर वाले को यहाँ से बस नीचे खुसका गला और राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दो, बस इसी में पूरा टाइप कर दो कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ठीक है, कर लोगे। अगर आपको लोगो लगाना है, मान लो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, इस जगह पर लोगो लगाना है, क्या लगाना है, लोगो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लो लगाना भूल गए, नहीं लगा पाए, पहले आपको याद नहीं रहा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इजी रहेगा, देखना दोनों को हमने इस तरीके सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके इसको आप खिसका दो, दोनों एक साथ यहाँ पर खिसक जाएंगे, इस जगह पर आप अपना लोगो लगा सकते हो, कहीं से लोगो ऐड करना। अब लोगो ऐड करना है तो लोगो ऐड करने के लिए बहुत ईजी रहेगा, आपको इम्पोर्ट भी गए, इम्पोर्ट पर जाके आप अपना जो पिक्चर है, जैसे यहाँ पर हमारी जो पिक्चर कोई पड़ी है, तो मान लो हम YouTube का ही लगाना चाह रहे हैं, तो YouTube का ही लोगो को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, इम्पोर्ट में जाके यहाँ पर बॉक्स बना दीजिए। अब इतना बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर देंगे, तो क्या कर देंगे, क्रॉप, और डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा पिक्चर आ गया इस तरीके से, ये हमारे फिक्स लेना चाहें तो फिक्स, उसके लिए एच डी लोगो होगा तो आराम से फिक्स ले सकते हो, एच डी लोगो होगा, आपको यहाँ पर पी एन जी हमेशा लगाना होता है, लोगो में हमेशा क्या लगाते हैं, PNG, ये इमेज है, इमेज में क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज हमेशा चौकोर होती है, ठीक है। जो स्टिकर टाइप के होते हैं, जैसे मान लो ये खाली लोगो लोगो रहेगा, लोगो के आसपास का एरिया कुछ भी नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं PNG इमेजेस। PNG में क्या होगा, खाली ओनली लोगो होगा, बैकग्राउंड नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बैकग्राउंड नहीं होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं, दूसरे का लोगो यूज़ नहीं कर सकते ना, अभी हम फिलहाल वीडियो बना रहे, इसलिए दूसरे कंपनी का लोगो हम अपने में यूज़ नहीं कर सकते। आप इसी तरीके से कर देना है, खाली
फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद इम्पोर्ट में जाओ, इम्पोर्ट में जाके आपकी पूरा कंप्यूटर का स्टोरेज खुल के आ जाएगा, खाली सेलेक्ट करो और यहाँ पर इम्पोर्ट कर दो जहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर हमें ये तो ब्लैक कलर डाल दे रहे मान लो, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाली होती एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स बनाया या फिर आप वाइट बॉक्स भी बना सकते हो, कोई भी एक कलर बढ़िया कलर लेके आप उसका बॉक्स ऐड कर सकते हो। क्लिक राइट क्लिक किया, ठीक है, तो मान लो हमने काला लेना है, चलो काला ले ले रहे हैं, क्लिक राइट क्लिक दोनों करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारी हेडिंग है। तो अब बार बार आपको ये नहीं लेना है, बार बार जो आपको ये बार बार टेक्स्ट टूल लेना होता है, बार बार नहीं लेना है, बार बार टेक्स्ट टूल नहीं लेना है आपको, सिर्फ एक बार जो ले लिया उसी को क्या करना है, बार बार कॉपी पेस्ट करना है, क्या करना है उसी को ही कॉपी पेस्ट करना है ओनली। उसको यहाँ से लिया, अब पीछे तक शिफ्ट के साथ जैसे आप पेज अप बटन दबाएंगे, जैसे हमने शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन दबाया तो पीछे पहुँच गया, और शिफ्ट के साथ पेज अप दबाया तो वो बॉक्स के आगे आ गया। तो पेज अप दबाना है, शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ से लगाएंगे कौन सा, ये थे ब्लैक, इसको बीचों बीच रखा। अब इसको F8 दबा दोगे या फिर टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करो या फिर आप क्या दबा दो सीधे F8, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, टेक्स्ट टूल की।